नमस्कार, मैं हूं यश कुमार और मुंबई से महज 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 17 एकड़ में बना ये स्टूडियो वृंदावन वाटिका, इसमें शूटिंग की हर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसकी तलाश हर निर्माता, हर निर्देशक और हर प्रोडक्शन हाउस को होता है। मैं यश कुमार आज इस स्टूडियो के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उससे आप सबको रूबरू कराऊंगा। आइए लेकर के चलता हूं आपको वृंदावन वाटिका स्टूडियो के अंदर। वृंदावन वाटिका का ये मुख्य द्वार, मेन गेट है, जिसे आप अपनी फिल्म में सेंट्रल जेल का दरवाज़ा दिखा सकते हैं, किसी हॉस्टल का दरवाज़ा दिखा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सेंट्रल जेल की तरह इसमें गेट भी लगाया गया है जिसे खोल करके कैदी बाहर आ सकता है। इस तरीके की फैसिलिटीज़, इस तरीके की सुविधाओं से सुसज्जित ये गेट, आप इसको जिस रूप में चाहें अपनी फिल्म में दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंदर लेकर के चलते हैं आप सबको। वृंदावन वाटिका में उपस्थित ये सुंदर सा बागीचा, आप अंदर आए, आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत सा बागीचा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस बागीचे में जिस चीज की शूटिंग चाहे कर सकते हैं। वृंदावन वाटिका में बना हुआ ये लोकेशन, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कॉलेज दिखा सकते हैं, हॉस्टल दिखा सकते हैं, कोर्ट रूम का एक्सटीरियर दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल का एक्सटीरियर दिखा सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कई रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर को मिला करके 17 AC रूम्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें आप अपने एक्टर को रोक सकते हैं। साथ में साइड में टेक्नीशियंस के रुकने के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है। कुल मिलाकर के वृंदावन वाटिका में आप एक साथ करीब करीब 125 सदस्यों की यूनिट को ठहरने की उत्तम व्यवस्था दे सकते हैं। वृंदावन वाटिका में यूँ तो शूटिंग की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उनमें से एक एक करके मैं आप सबको परिचय कराता रहूँगा उन लोकेशन से। अभी आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा बंगलो, जिसे आप शहर का कोई भी एक खूबसूरत सा बंगला दिखा सकते हैं। इस बंगले के अंदर एक खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है और साथ में शूटिंग करने के लिए एक कमाल का बेडरूम क्रिएट किया गया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं अंदर। धारावाहिक हो या फिल्में, बिना पुलिस के अधूरी हैं। इसी पुलिस और इसी पुलिस स्टेशन को नज़र में रख करके ये पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिसके अंदर हर वो सुविधाएं, हर वो चीज़ उपलब्ध है जो पुलिस चौकी के अंदर होती है। वाटिका में तीन गोडाउन आप सबके पास उपलब्ध हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिलाकर के। ये गोडाउन 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, पर 2000 स्क्वायर फीट के तीन गोडाउन उपलब्ध हैं जो बिल्कुल खाली हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें सेट लगा सकते हैं। 3000 स्क्वायर फीट का बना हुआ यह सेट, करीब करीब 50 फीट इसकी लंबाई है। इसमें आप क्रोमा का कोई भी शूट कर सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार
सेट्स लगा सकते हैं। आइए आप सबको रूबरू कराते हैं मार्केट से। आइए अब आप सबको दिखाते हैं गांव में बना हुआ एक चौतरफा मार्केट। इस बाजार को आप साइड साइड से सारी दुकानें बनी हुई हैं, बीच में एक चबूतरा बना हुआ है जिसमें एक खूबसूरत सा पेड़ लगा हुआ है, साइड में एक मंदिर भी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें गाने की शूटिंग कर सकते हैं, बाजार का सीन क्रिएट कर सकते हैं। यह है गांव का खूबसूरत सा घर, मध्यम वर्गीय परिवार का इसे आप घर दिखा सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के इस घर में एक छोटा सा बेडरूम है, चारों तरफ चार खाने का एक आंगन है, आंगन के बीच में एक तुलसी जी का पेड़ रखा हुआ है खूबसूरत सा। कुल मिलाकर के इसे आप गांव का एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर दिखा सकते हैं। पंद्रह हजार स्क्वायर फीट में बना हुआ यह शेड अंदर से पूरी तरीके से खाली है। किसी भी सीरियल का, किसी भी फिल्म का आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें सेट लगा सकते हैं। आप सबने देखा एक से बढ़कर एक खूबसूरत से लोकेशन जिसपे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना काम कर सकते हैं, अपने सेट्स लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ और भी खूबसूरत से लोकेशन से आप सबको अवगत कराता हूं, रूबरू कराता हूं। मसलन किले का यहां पे बहुत ही शानदार बगीचा है, करीब करीब 5 से 6 हज़ार आम के पेड़ों का एक खूबसूरत सा बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत सा एक तालाब है और करीब करीब 10 एकड़ ज़मीन खाली है जिसमें आप चेजिंग कर सकते हैं और जैसा आप चाहें वैसा उसमें काम कर सकते हैं। करीब 10 एकड़ ज़मीन खाली प्लॉट है वृंदावन वाटिका स्टूडियो में।
नमस्कार, मैं हूँ यश कुमार और आप सब ने देखा वृंदावन वाटिका में उपस्थित सारे लोकेशंस, सारे शेड्स। आप सभी से निवेदन है कि आप सब वृंदावन वाटिका में आए, अपनी फिल्म और अपने सीरियल्स की शूटिंग करें। धन्यवाद।